वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज़, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। फिल्म इंडस्ट्री में चोरी का आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। कंटेंट से लेकर धुनों तक, पोस्टर से लेकर काफ़ी चीज़ों तक, बॉलीवुड में ऐसे आरोप किसी ना किसी पर लगते रहते हैं। अब ऐसे ही एक विवाद से प्रोड्यूसर एकता कपूर भी घिरी हैं, जिसके बाद उनके प्रोड्यूसर हाउस ऑल्ट बालाजी ने माफ़ीनामा शेयर किया है। दरअसल एकता कपूर ने डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर पोस्टर चोरी के आरोप लगने के बाद कंपनी ने सोशल मीडिया में माफ़ी मांगी है और नई वेब सीरीज़ हिज स्टोरी के जिस पोस्टर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था उसे सभी प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया है। ऑल्ट बालाजी के ट्विटर अकाउंट से माफ़ीनामा जारी किया गया, जिसमें लिखा था, 9 अप्रैल को हमने अपनी सीरीज़ हिज स्टोरी का पोस्टर जारी किया था और हमने सुधांशु की लव से अवगत करवाया था। इतनी समानता नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यह हमारे डिजाइन विभाग की चूक है, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। हम डिजाइनरों की कद्र करते हैं और कभी उनके काम की चोरी नहीं करेंगे और ना ही उनके काम का अपमान करेंगे, इसलिए इस पोस्टर के निर्माण में शामिल डिज़ाइनरों से माफ़ी मांगना ज़रूरी है। हमने पोस्टर सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया है और हम लव के पोस्टर निर्माण में शामिल सभी डिज़ाइनरों से माफ़ी मांगते हैं। दरअसल हाल ही में एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस ऑल्ट बालाजी ने वेब सीरीज़ हिज स्टोरी का एक पोस्टर रिलीज किया था, जिसके बाद फिल्म मेकर सुधांशु सरिया ने ट्विटर पर ऑल्ट बालाजी पर उनकी फिल्म का पोस्टर चुराने का आरोप लगाया था। सुधांशु सरिया ने दावा किया था कि उनकी साल 2015 में आई फिल्म लव का पोस्टर चुरा कर हिज स्टोरीज़ का हूबहू पोस्टर बनाया गया है। Thank you so much. Keep watching for more entertainment news and update.